आप जानते हैं कि आज भी श्रीलंका में रावण का महल मौजूद है? और क्या आपको पता है कि रावण जिस पुष्पक विमान में माता सीता को लेकर गए थे वो आज भी मौजूद है, लेकिन वो कहाँ पर है? आप शायद नहीं जानते होंगे कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है, जिस पर आज भी श्री राम का नाम लिखा है। और दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हनुमान जी की गदा आज भी मौजूद है, जो इतनी वजनी है कि उस गदा को किसी क्रेन से भी नहीं उठाया जा सकता। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण के ऐसे पुख्ता सबूत देंगे जिसको जानने के बाद आपके दिमाग में शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ऐसे ही सारे राजों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 8, रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है? इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में हक गला बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, और इस गार्डन में वही जगह है जहां माता सीता को रखा गया था। उसको सीता LA के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और खास बात जो सभी लोगों को हैरान करती है वो ये है, यहाँ के वृक्ष यानी कि पेड़, रामायण में ये बताया गया था कि अशोक वाटिका का नाम इसीलिए अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि उस वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत सारे थे। अजीब बात ये है कि जैसा रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था, ये हक गला बॉटनिकल गार्डन सेम वैसे का वैसा ही है। है ना ये रामायण का एक पुख्ता सबूत। फैक्ट नंबर 7, रामायण में बताया जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके हवाई मार्ग से उनको लंका ले जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए जटायु नामक गिद्ध ने रावण का सामना किया था। रावण ने उस जटायु का एक पंख काट दिया था, जिसके कारण वो जटायु घायल होकर एक पहाड़ी पर जाकर गिर गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पहाड़ी भी रामायण का एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है, क्योंकि आज केरल के कोल्लम की उसी पहाड़ी पर जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति बनाई गई है, जिसे आज स्टैचू ऑफ जटायु के नाम से भी जाना जाता है। है ना सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि श्रीलंका में नुवारा एलिया नाम की एक जगह है जहां पर माता सीता का मंदिर है। साथ ही इस मंदिर के पास ये एक झरना भी बहता है। कहा जाता है कि माता सीता इसी झरने में स्नान भी किया करती थी। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। यहाँ वो पर्वत भी है जहाँ पहली बार हनुमान जी ने अपना कदम रखा था। ये पर्वत लंकापुर और अशोक वाटिका के बीच स्थित है। हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत पर भी ठीक वैसे ही पैरों के निशान मिलते हैं जैसे उस झरने के पास चट्टानों पर मिले थे। फैक्ट नंबर 5, अब बात कर लेते हैं उस सबूत की जिसने ना सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के लोगों को ही चौंकाया बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक को हैरान करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जिसको इंग्लिश में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में ये बताया जाता है कि प्रभु श्री राम इंडिया से लंका एक पुल के माध्यम से गए थे, जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम सेतु आज भी मौजूद है? पुरातत्व विभाग के प्रमाणों से ये पता चलता है कि भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य पानी के नीचे आज भी 21 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है, जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चल के पार करने योग्य माना जाता था। लेकिन एक चक्रवात के कारण ये राम सेतु जगह जगह से खंडित हो चुका है। हैरानी की बात ये थी कि जब नासा की एक सैटेलाइट ने इस क्षेत्र की फोटोग्राफ खींची तो राम सेतु उस सैटेलाइट की इमेज में भी देखने को मिला। शायद आप ये नहीं जानते कि नासा भी ये स्वीकार कर चुका है कि इस क्षेत्र में वास्तव में एक सेतु था जो इस दुनिया का सबसे पहला पुल हो सकता है। अब इतने सारे कोइंसिडेंट होना थोड़ा तो मुश्किल लगता है। फिर भी राम सेतु के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है?
हालांकि इनकी क्वांटिटी अब काफी कम हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत के रामेश्वर में ऐसे पत्थर हैं जो भारी होने के बावजूद भी पानी पर तैरते हैं। एक और बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर भी इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ रामायण के अनुसार राम सेतु श्रीलंका में जाकर जुड़ा था। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन तैरते हुए पत्थरों पर बहुत से तर्क दिए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया है कि वास्तव में ये पत्थर इतने भारी होने के बावजूद भी पानी में नीचे क्यों नहीं डूबते। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि ये युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के द्वारा मूर्छित हो गए थे और उनकी जान जाने ही वाली थी, तो उनकी जान को बचाने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन हनुमान जी को संजीवनी बूटी का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को पूरा का पूरा ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय के उस क्षेत्र में आज भी हनुमान जी को नहीं पूजा जाता है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये मानते हैं कि हनुमान जी उनके क्षेत्र से संजीवनी जैसी अमृत बूटी श्रीलंका ले गए थे, इसलिए वो लोग हनुमान जी को आज भी नहीं पूजते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीलंका के उस क्षेत्र पर जहाँ रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, वहाँ आज भी एक ऐसा पर्वत है जिसके सभी गुण और जड़ी बूटी हिमालय के पहाड़ों के समान है। हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ पर वो पर्वत एक लौता ऐसा पर्वत है जिसके सभी गुण हिमालय से मिलते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि हनुमान जी के द्वारा लंका जलाने से रावण बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था। उसको डर था कि हनुमान जी दोबारा हमला ना करते, और इसीलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडा कटुगला में रखा था। हैरानी की बात यह है कि श्रीलंकन पुरातत्व विभाग को कई ऐसी गुफाएं मिली है जो कोंडा कटुगला से रावण के महल को सीधा जोड़ती थी, और इन गुफाओं में ऐसी शिल्प कला भी मिली है जिससे लगता है कि इन गुफाओं में किसी स्त्री को रखा गया था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों रावण शिवजी की आराधना किया करता था, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण ने श्रीलंका में भी भगवान शिव के लिए एक मंदिर की स्थापना की थी जिसका नाम कोडेश्वरम मंदिर है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उसके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। एक बात जो हमें हैरान करती है वो ये है कि भगवान शिव का श्रीलंका में मंदिर का होना और उस मंदिर में रावण की भी आकृतियों का होना, यानी एक बात साफ है कि भगवान शिव, रावण, श्री राम और माता सीता का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, और ये अपने आप में रामायण का एक बहुत बड़ा प्रूफ है।